हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स विद हाउसवाइफ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉक्स है जो कि मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने इससे कुछ बनाने के लिए सोचा है। तो देखते हैं कि इसका क्या बनाया जा सकता है। तो मेरे पास लैम्प नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसका लैम्प ही बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने कुछ बराबर में मेजरमेंट लेके इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपको चारों तरफ कट कर लेना है पूरे में। और यहाँ मेरे पास कुछ कैप्स थे जो कि ये देखिए, एक्रेलिक कलर का कैप है और एक अचार के डिब्बे का कैप था। तो और यहाँ पे मैंने लिया हुआ फेविकोल और वाटर का ऐड कर लिया है और उसका लिक्विड तैयार किया हुआ है और टिश्यू पेपर लिया है जिससे इसको कैप को कवर कर दिया। तो मैंने तीनों कैप में इस तरह से कवर कर दिया था। तो जो भी कैप्स होते हैं, मैं डिब्बे अगर टूट जाते हैं तो उनके कैप्स को फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रख देती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ यूज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ में ले आया है और जहाँ जहाँ पे कटिंग हुई थी वहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर को लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने इस तरह से जस्ट अप्लाई कर दिया है स्पॉन्ज की हेल्प से। स्पॉन्ज से क्या होता है, बहुत ही ईजिली आप टैप टैप करके अच्छे से लगा सकते हैं कलर को और एक अच्छा टेक्स्चर भी आपको मिल जाता है। तो टिश्यू पेपर मैंने यहाँ पे इसलिए कवर किया हुआ है जहाँ जहाँ पे कटिंग हुई है, क्योंकि एक फिनिशिंग आ जाती है और जहाँ वो कटिंग जो हुई रहती है वो दिखती भी नहीं है आपकी और एक फिनिश लुक आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ किया है और एक अच्छे टेक्सचर के लिए भी मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ किया हुआ है, जो कि आपको बाद में देखने को मिलेगा कि कितना ज़्यादा ये उभर कर आता है। और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लिया हुआ है, वाइट कलर लिया हुआ है और येलो कलर थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है इसमें। इस तरह के जो कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के, आप उसे फेंके नहीं, आप उससे बहुत कुछ बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी आप उससे दिखा सकते हैं और अपने घर के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। मेरे घर में लैम्प नहीं था और मुझे बहुत ज़्यादा बनाने का मन था कि मैं एक लैम्प ज़रूर बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पर ये फाइनली बना लिया और ये कलर मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो जो भी कलर आपको पसंद होगी आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो आपको पसंद हो। यहाँ मेरे यहाँ इलेक्ट्रीशियन का कुछ काम हुआ था तो इसमें एक वायर बचा हुआ था, तो मैंने उसको फेंका नहीं था, संभाल के रख लिया था। तो यहाँ पे मैं लैम्प के लिए इसको यूज़ करूँगी हैंग करने के लिए, बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से इसमें होल कर दिया था और उसके बाद मैंने इस तरह से वायर डाल के इसको दोनों तरफ से सेट कर दिया है, नॉट लगा दी थी इसमें। यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ इस तरह से आपको कर देना है। और यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा और हाईलाइटेड करना चाहिए इसको कलर को, तो मैंने यहाँ पे इसलिए येलो कलर का यूज़ किया हुआ है जिससे और ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा था और ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। तो आपको जो भी कलर पसंद होंगे आप अपने अकॉर्डिंग ही करिएगा, मुझे यही कलर चाहिए था इसलिए मैंने यही कलर चूज़ किया हुआ है। खरीदते हैं तो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है, जबकि आप इसको फ्री में बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से पूरा कलर हो चुका है और अच्छे से ड्राई हो गया। अभी मैंने इसमें कैप लगा दिया है और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे स्टार बना दिए हैं। तो कैप को भी मैंने सेम कलर कर लिया था, जो तीन कैप मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं तीनों पर इस तरह से कलर कर दिया था अच्छे से। तो यहाँ पर मैं पूरे में स्टार बना दूंगी। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद होगी आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्स बन चुके हैं और ये इस तरह से लग रहा है और ये बहुत प्यारा लग रहा था। आप भी इस तरह से वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने कैप पे भी इस तरह से देखिए कलर कर दिया था, स्टार्स बना दिए थे और अभी मैं कैप लगा दूँगी। यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। सिर्फ एक्रेलिक कलर आपके पास होना चाहिए और टिश्यू पेपर या पेपर होना चाहिए, न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से छोटा बड़ा कैप करके इस तरह से आपको, और फाइनली इस तरह से दिख रहा है। लेकिन मुझे लगा कि कुछ और भी करना चाहिए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे फ्लावर्स थे तो मैंने इसको ऐड कर लिया। तो यहाँ पे मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से कैप पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर यहाँ पे लगा दिए। अगर आपके पास फ्लावर नहीं हो तो आप ऐसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ये वैसे भी बहुत प्यारा लग रहा था ये देखिए, बट मेरे पास था फ्लावर तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है।
तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरे में फ्लावर लगा दूंगी और फाइनली ये इस तरह से दिख रहा है। अगर आप चाहें फ्लावर लगाएं और अगर आप चाहें तो ना लगाएं। तो यहाँ पे मुझे लगा कैप पे भी कुछ लगाना चाहिए तो मैंने कैप पे भी ऊपर लगा दिया था। फाइनली ये बन गया है जैसा मुझे चाहिए था। तो देखिए कैसा लग रहा है। तो इस तरह के प्लास्टिक की बॉटल आप फेंके नहीं, आप कुछ भी उसका बना सकते हैं, इस तरह के लैम्प बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से आप प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल से, डिब्बे से आप बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से लग रहा है। मार्केट से आपको महंगे लैंप खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे ही इस तरह से वेस्ट प्लास्टिक के डिब्बे से बना सकते हैं लैंप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।